हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूं मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा हम लोग को आइडिया है कि आव्यूह क्या है। इसको मैं एक बार समझा देता हूं कि अगर मैं करूं मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, आव्यूह आप किसे कहते हैं। तो आव्यूह बेटा क्या है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स को आप बोल सकते हो कि सर ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक, ये आपको पता है कि आव्यूह आपका क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें आप एलिमेंट्स को पंक्ति और स्तंभ में रखते हो। तो अगर हमने कहा If A is a matrix of order n cross n, यदि A एक आव्यूह जिसका order आपको दिया n cross n, order तो हिंदी में बोलते क्रम, जिसका क्रम n cross n है, इसका मतलब है कि इसमें m रो होंगी और रो को आप रिप्रेजेंट करेंगे, रो को आप रिप्रेजेंट करेंगे ये हॉरिजॉन्टल, ये रोज होगी। तो रोज को आप हमेशा ऐसे दिखाएंगे और कॉलम्स आपका वर्टिकल रहेगा, कॉलम आपको वर्टिकल रहेगा और यहां पे आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो। तो यही होता है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू किसकी निकलती है, डिटरमिनेंट की। इसका मतलब सिर्फ एक अरेंजमेंट है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम रखते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको पता है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। आई थिंक ये आपको पता होगा कि A11 यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला रो पहला कॉलम, इसी प्रकार से 1-2 पहला रो दूसरा कॉलम। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। बीच बीच में जो टाइप्स आएंगे मैट्रिक्स के, जैसे रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहूंगा। ठीक, अच्छा से यहाँ पे देख रहे हैं आप टाइप्स की रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होगा कि रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ हमें एक रो दिख रही हो। जैसे ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि कितनी रो है, एक रो है। और कॉलम आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तीन, इसका ऑर्डर होगा 1x3। तो ये हो गई आपकी रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स आप अगर देख रहे हो तो कॉलम मैट्रिक्स में ABC यहाँ पे आपकी रो कितनी होगी, तीन, और कॉलम एक है 3x1। तो ये हो गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स। और इसी टाइप के आपकी बहुत सारी डेफिनेशन है जिसे मैंने थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आज का हमारा पार्ट सिर्फ क्वेश्चन है और ये क्लास लाइव थी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम थी इसलिए वो वीडियो डिलीट हो गई। इसलिए मैं फिर से आपको वो सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस वीडियो को। तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें और क्वेश्चन के साथ में ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक आव्यूह A है जिसका क्रम आपको दिया गया P क्रॉस Q, B का क्रम दिया Q क्रॉस M, आपको बता A क्रॉस B का क्रम क्या होगा। तो पहली सिंपल सी चीज एक बात बताइए कि दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, अगर A मल्टीप्लाइड विद B तो A का ऑर्डर सपोज M क्रॉस N है, B का ऑर्डर सपोज मान लो P क्रॉस S है। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अगर N इक्वल टू P है बेटा, अगर N इक्वल टू P है, पहली आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तभी दो आव्यूह का गुणनफल संभव है। ये बात आप जानते हैं, इफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स देन मल्टीप्लिकेशन कैन बी या मस्ट बी पॉसिबल। तो ये इसका जो A क्रॉस B आएगा इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये जो बचे हुए N क्रॉस S, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है।
अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर आपको दिया गया पी क्रॉस क्यू और इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, इसका ऑर्डर है आपका क्यू क्रॉस एम, इसका ऑर्डर है बी का क्यू क्रॉस एम। तो देखिए पहले तो चेक कर लो क्या ये और ये इक्वल है, यहां पे भी क्यू है यहां पे भी क्यू है, इसका मतलब इसके कॉलम्स कितने क्यू, इसकी रोज कितनी क्यू। अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो ए क्रॉस बी आएगा ए क्रॉस बी उसका ऑर्डर क्या बनने वाला है पी क्रॉस एम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा पी क्रॉस एम। तो ये बात आपको पता है तो आंसर इसका हो जाएगा बी का पी क्रॉस एम। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, सपोज मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x3, बी है जिसका ऑर्डर है 4x3 और सी जिसका ऑर्डर है सपोज 3x4, और मैंने इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। मैंने आपसे कहा क्या इसमें ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो एक बात बताओ, अगर ए बी पॉसिबल होता तो ए के कॉलम बी की रो के बराबर होती, क्या ये 3 और इधर है 4, तो ए बी पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार अगर मैंने पूछा क्या बी ए पॉसिबल है, तो पहले आप देखोगे बी के कॉलम, बेटा बी के कॉलम देखिए कितने 3, और चाहो तो इसको लिख लिया तो बी का ऑर्डर है 4x3 और ए का ऑर्डर है आपका 2x3, क्या ये दोनों चीज इक्वल दिख रही है आपको? नहीं, तो बी ए बी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी में मैंने आपसे पूछा क्या ए सी पॉसिबल है, क्या ए सी पॉसिबल है? तो आपने कहा ठीक है चेक कर लेते सर, ए का लिखा है 2x3, ए का ऑर्डर है 2x3 और सी का दिया गया 3x4, यहां पे देखिए क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल, और अगर आ रहे तो ये पॉसिबल है, इसका ऑर्डर आ जाएगा ए सी का 2x4, और अगर ऑर्डर 2x4 है तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2x4 8। आपको पता ना अगर क्रम आपको 2x4 दिया गया तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, ये बेसिक सी चीजें आपको पता है। एक और आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा ए सी बी, क्या ये पॉसिबल है मैट्रिक्स ए सी बी? तो आपने कहा चलिए चेक कर लेते सर, एक ऑर्डर है 2x3, सी का ऑर्डर है 3x4 और बी का ऑर्डर है 4x3, तो यहां से आप देख रहे ये इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां भी ये इक्वल है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी बी का जो कंप्लीट ऑर्डर आएगा वो आएगा 2x3। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। एक एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी यहां पे देख लीजिए, सिर्फ उसमें ऑर्डर पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन देखे उसमें पूछा गया था आपसे पी क्यू आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्स वाई जेड, आपसे कहा था इसका ऑर्डर बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर आपको बताना है, तो पहले बताइए अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और देखो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात समझता हूं, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो जो भी ऑर्डर होगा इसका मैं सिर्फ रो देखूंगा और लास्ट वाले का सिर्फ कॉलम देखूंगा। इसमें रो कितनी है 1, अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इसमें रो कितनी 1, और बेटा इसके कॉलम कितने हैं, आपने कहा इसके कॉलम है 1, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 1x1। फिर समझिए, इसमें रो कितनी 1 और लास्ट वाले में कॉलम्स कितने हैं 1, तो ऑर्डर आएगा 1x1। और अगर आपको पूरा करना तो आप ऐसे कर लीजिए, आपने कहा सर इसका ऑर्डर है 1, 1 रो 3 कॉलम, तो 1x3, 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर लिखेंगे 3x3, 3 रो 1 कॉलम 3x1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगी यहां से ये हटेगा, फाइनली आपके पास बचेगा 1x1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1x1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन कि ए और इसका ऑर्डर दिया है 3x, बी का ऑर्डर दिया गया है 4x y और ए क्रॉस बी इसका ऑर्डर आपको दिया गया है सपोज z क्रॉस 7,
तो आपसे कहा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सेम चीज है, आप क्या करिए, आप ऑर्डर लिख लीजिए। आपको पता अगर a क्रॉस b हो रहा है जिसका एक ऑर्डर आ रहा है, तो आप कह सकते हो यहां पे कि सर पहले हमने लिखा a जिसका ऑर्डर था 3 क्रॉस x, ये हो गया a। फिर हमने लिखा b जिसका ऑर्डर था 4 क्रॉस y, इक्वल टू अगर a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो a क्रॉस b जिसका ऑर्डर हमको दिया गया z क्रॉस 7। अगर ये मल्टीप्लाई है तो आपको पता है यहां पे ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही 4, और जो ऑर्डर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, 3 क्रॉस y के, यानी ये इक्वल होगा 3 क्रॉस y के, यानी z की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 7। y की वैल्यू हो जाएगी 7। इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दी गई जिसका ऑर्डर दिया 3 क्रॉस 2, और उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट ही कि वो फॉलो करे 3i + 4j, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात बताइए, ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, यानी रो कितनी बनेगी, 3 रो रहेंगे, 3 बेटा, और कॉलम्स कितने बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। तो एलिमेंट आप कैसे लिखोगे, आपको के साथ a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा, सुनिए आप बता देते हो, ये आपको पता है, a21 होगा, a22 होगा, a31 होगा और a32, कुछ इस तरीके से वो मैट्रिक्स होगी। उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहां पे रो कितने हैं, 3, और कॉलम्स कितने, 2। ऑर्डर आपको क्या दिया गया था, 3 क्रॉस 2। चलिए ठीक है, अब आपने कहा कि आपकी मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 2, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। a11 तो i कितना है, 1, j भी 1 है, तो i यहां पे दिया है 1, j 1, तो 4 और 3 ये कितना हो जाएगा आपका 7। 1 2 रख दीजिए, 1 2 में क्या हो जाएगा, यहां पे i कितना हो जाएगा 1 और j 2, 8 और 3 ये हो जाएगा 11। और आपको ये दिख रहा है वर्टिकली कितना बड़ा, 3, तो इसको आप देखोगे 7 और 3 10 10 और 3 13, इसी तरह 11 3 14, और 14 और 3 17। ये 3 क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है i वाला 3 से बढ़ेगा, यानी वर्टिकली 3 इंक्रीमेंट दिखा रहा है, और हॉरिजॉन्टल देखोगे तो 4 का, तो 7 से 11 4 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है। ये सब मैंने डिस्कस किया होगा थ्योरी क्लास में कि आप कैसे देख सकते हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है, पहला ऑप्शन। तो ये टाइप के क्वेश्चन आप बना लो, ठीक, एक क्वेश्चन और करा देना। जैसे मैंने कहा, मैंने कहा ए एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट फॉलो करे ए आई जे इक्वल टू 4i - 3j, 4i - 3j, और आपको गिवन है आई और जे के लिए दिया गया। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, रोज कितनी जा रही है, 3, पंक्तियां कितनी है बेटा, 3, और स्तंभों की संख्या कॉलम्स कितने हैं, 2। तो स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनेगा, आपने कहा सर 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम अभी आपने ऐसे ही क्वेश्चन किया। आप एक मिनट इसको अलग कर लो, आप इसको और अच्छा कर लो। आपने कहा कि सर अगर हम आई कर दें 4 और कॉलम्स कर दे 3, कॉलम्स कर दे 3, ये कॉलम छोटा कर लो, तो पंक्तियां कितनी दिखेंगे आपको, 4, तो रोज आपकी दी गई 4, 1 2 3 4, और कॉलम्स 2 होने चाहिए, 1 2। तो यहां पे एलिमेंट आएंगे, पहला a11 पहली रो, ठीक है, a कॉलम 1 2, कॉलम्स के आगे जा नहीं सकते क्योंकि 2 ही कॉलम है, फिर a21 a22 a31 सॉरी 31 a31 a32 द लास्ट वन a41 a42, ये आपको गिवन, ये आपको हो गया स्ट्रक्चर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपने कहा कि सर हमें रोज दी गई है 4, तो 4 पंक्तियां आपको दिख रही है, स्तंभों की संख्या 2 है, तो 2 स्तंभ है, बस आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी है, 1 1, यहां पे 1 1 रख दीजिए, तो यहां पे होगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा आपका 1, और 1 2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 रखो, 4 - 6 - 2, बस उसके बाद आपको दिख रहा है
आई में इंक्रीमेंट चार का है, यानी एक में चार बढ़ाइए पांच, पांच में चार बढ़ाइए नौ, नौ में चार बढ़ाइए तेरह, और यहाँ पे चार बढ़ाइए माइनस दो प्लस चार, बेटा दो हो जाएगा, दो प्लस चार छह हो जाएगा, छह प्लस चार दस, तो ये हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स जो इस डेफिनेशन को फॉलो करा। जैसे आपको ये चेक करना था टू वन, यहाँ पे देखो आठ माइनस का तीन पांच, आप इसको चेक कर लो ये एलिमेंट कौन सा है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो आपको सर ये एलिमेंट ए थ्री टू, ए थ्री टू, तो यहां पे रखिए जाना बारह माइनस छ इक्वल टू सिक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है कि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 40 है, तो अधिकतम संभावित क्रम बताने हैं। अगर अवयवों की संख्या आपको दी गई है 40, तो आपको बताने हैं अधिकतम संभावित क्रम। देखो ऐसे समझो, मैंने कहा सॉरी, क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको अवयव दिए गए मतलब 40, तो आपने कहा सर 40 है, तो हमारे पास क्रम ऐसे हो सकता है, आपने कहा सर एक रो हो सकती है और 40 कॉलम हो सकते हैं। क्लियर, एक रो और 40 कॉलम, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसी प्रकार से आप फ्रेम करते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा है और ये बराबर किसके होगा, अवयवों की संख्या के। अब आपने कहा यहाँ पे दो कर दें, तो यहां से इसका दुगना किया है, तो ये आपका बटे दो हो जाएगा, दो से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ दो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ दो से डिवाइड हो जाएगा 20, फिर यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो ये चार हो जाएगा, यहाँ दो से डिवाइड हो जाएगा यानी 10, फिर यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8, और ये डिवाइड हो जाएगा 5। अब फिर अगर यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे 16, लेकिन यहाँ 2.5 वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऑर्डर इसके रिवर्स भी पॉसिबल है, 5 × 8, 10 × 4, 20 × 2 और 40 × 1, एक तरीका तो बेटा सॉल्व करने का ये हो गया। तो टोटल कितने क्रम संभव है इसके, आपका आंसर तो आ गया 8, टोटल 8 है। इसको करने के देखो एक तरीका और हो सकता है, देखो हम ये देख रहे हैं ना कि 40 को कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी नेचुरल नंबर डिवाइड करें, तो आपको एक है, दो है, चार है, तो 40 को डिवाइड करने वाले अगर मैं नंबर लिखूं, अगर मैं 40 को डिवाइड करने वाले नंबर लिखूं, तो 40 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से और 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 40 से। तो यहाँ पे टोटल देख लीजिए 4, 3, 7 और 1, 8, जितने नंबर इसको डिवाइड कर रहे होंगे उतने ही तो बेटा ऑर्डर बन रहे होंगे, यानी ऑर्डर हो जाएगा 8। इसी को करने का एक फास्ट वे हो सकता है कि आप बार बार इसको सोचना नहीं पड़े कि आपको 1, 2, 4, इसको करने का एक बेसिक मेथड का, तो वो देखो अगर मैंने कहा कि अवयवों की संख्या, अगर मैंने कहा अवयवों की संख्या 40 है बेटा, तो आप 40 के फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 8, 8 × 40। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आप ऐसे देख लो, अगर यहाँ 40 लिखा हुआ है, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये 2, 20, 2, 10, 2, 5 और यहाँ 5, तो 2 की पावर 3 × 5। तो हमने सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है, जितने अवयवों की संख्या दी गई है, उसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, और उसके बाद हमारा आंसर है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे पावर देखिए कितनी 3, तो 1 बढ़ा दीजिए 4, यहां पावर है 1, 1 बढ़ा दीजिए 2, तो ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 संभावित क्रम हो सकते हैं अगर अवयवों की संख्या 40 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि इफ मैट्रिक्स ए हैज 56 एलिमेंट, या और अच्छा थोड़ा इसको और कैलकुलेट कर लो, 56 की जगह आप कर लो 600 एलिमेंट्स, देन फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर। सेम क्वेश्चन, अगर आपको बेटा कुल अवयव दिए गए 600, तो आपसे मैंने पूछा कितने क्रम संभव हो सकते हैं, फिर आपने कहा सर मैं सीधे से 600 का फैक्टर कर लूंगा, 600 2 300 2 150 2
75, अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से कर लीजिए 5, तो ये हो जाएगा 15, फिर 5 से कर लीजिए तो यहां पे बचा 3 और फिर 3 से, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 600 को 2 की पावर कितनी बार 3 इनटू 5 की पावर 2 इनटू 3 की पावर 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। और एक्चुअली पॉसिबल ऑर्डर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वही वो सारी संख्या है जो 600 को डिवाइड कर रही होगी, वो सारे नेचुरल नंबर जो 600 को डिवाइड कर रहे होंगे वही आपका आंसर होने वाला है। 3 में 1 बढ़ा दिया क्या हो गया 4, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, 3 में 1 बढ़ाया 4, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा ये 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 24। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह दिया गया है जिसका क्रम दिया गया 11x11 और आपको पता है न्यूनतम शून्यों की संख्या, तो एक पॉइंट आप डायरेक्ट ध्यान रखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ध्यान रखिएगा, मिनिमम की मैं बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह या निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या बेटा, ये सीधे सीधे आप बोलते हो अगर ऑर्डर n है, n सीट होती है, आप इसको ऐसे लो n n माइनस 1 बाई 2। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ऑर्डर क्या दिया 11, तो ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 1 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55, तो आपका आंसर हो गया 55। ऐसा क्यों होता है, चलो एक मिनट ये भी देख लेते हैं ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अगर ए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है जिसके एलिमेंट मान लीजिए ए आई जे, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की क्या डेफिनेशन होती है कि ए आई जे वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, जहां आई जे से बड़ा है वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, एलिमेंट को अगर मैं क्लासिफाई ए आई जे से डिनोट कर रहा हूं तो जिसमें आई इज ग्रेटर देन जे वो सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे आव्यूह को आप क्या बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि मैंने लिखा ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33, मतलब ये आपको पता है ना पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये कॉलम्स दिए हैं, इसका ऑर्डर आपको दिखना 3x3 है, इसको चौथे में एक मिनट बढ़ा देता हूँ, ए 14 कर लेता हूँ, ए 24 कर लेता हूँ, ए 34 कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी 41, 42, ए 43 और ए 4। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डेफिनेशन पे अगर आप मूव करेंगे, डेफिनेशन क्या बोला है, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, जहां आई जे से बड़ा हो, तो इसमें अगर आप देखो ये एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट, इन एलिमेंट में आपको दिख रहा है आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि ये होते मुख्य विकर्ण के अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, क्लियर है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, और ये जो एलिमेंट इसके ऊपर लिखे हैं डायगोनल के ऊपर, जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होंगे उसमें आप क्लियर देख रहे हो कि आई से बड़ा जे होगा, जो अवयव डायगोनल के ऊपर बनते हैं उसमें कौन बड़ा होगा जे, और ये एलिमेंट जो डायगोनल के नीचे हैं, ये सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट इसमें आपको दिख रहा है I इज ग्रेटर देन J, तो हमारा कंसर्न अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर I J से बड़ा है तो वो एलिमेंट जीरो कर दिए, मतलब ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, मतलब 2 1 की जगह आप जीरो लिख दो, 3 1 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और यहां पे आप इस तरीके से देख लो, ठीक, ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, इसी तरीके से ये जीरो के सामने ये जीरो हो गया, जीरो और ये जीरो, ठीक। तो ये हो गए नंबर ऑफ, ये हो गया आपके नंबर ऑफ जीरोस, ये हो गया आपके नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। तो एक बात बताओ कि ऑर्डर इसका क्या था, 4x4,
तो इसमें कितने जीरो आए, ये तो जीरो मिलेगा ही, तो आपने कहा सर ये एक जीरो आ गया। यहां पे आपको देखो इस रो में कितने जीरो आ रहे हैं, दो जीरो आ रहे हैं, इस रो में कितने आ रहे हैं, तीन जीरो आ रहे हैं। तो एक बात है, जब ऑर्डर 4x4 था तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आप कैसे निकाले, 1+2+3। अगर बेटा ऑर्डर 5x5 होता तो निकालते 1+2+3+4। इसी तरीके से अगर मैंने कहा, इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ऑर्डर आपका n x n होता, अगर ऑर्डर n x n होता तो आप कहते 1+2+3 अप टू चला जाता ये n-1। तो ये आपकी एपी है जिसमें आप कह सकते n+1/2 n+1/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा n n-1/2। तो यही होते हैं न्यूनतम शून्यों की संख्या, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो बेटा, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ध्यान रखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस नहीं, मैक्सिमम का अलग कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर? चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर कितना था हमारा, 55। ओके, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैंने लिखा, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं कि डी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पता है क्या होते हैं, विकर्ण अवयव बेटा क्या होता है, कि जिसमें सिर्फ विकर्ण वाले अवयव हो, विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू जीरो, लेकिन कब, जब आई जे के बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो डायगोनल जहां पे भी आएगा, याद रखो विकर्ण आएगा वो हमेशा वर्ग आवयव होगी। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप क्लियर ऐसे बोलते हो सर, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव वो होती है जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो होते हैं। लेकिन आपने जब डेफिनेशन बोली या आपने कैसे भी रिमेंबर किया तो आपने बोला विकर्ण डायगोनल, तो जहां डायगोनल की बेटा बात करोगे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स को निश्चित रूप से होनी है। ठीक है, ऐसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव भी हमेशा एक वर्ग अवयव होगी। और ये छोटी सी चीज आप जानते हो कि सिर्फ वर्ग अवयव का ही सारणिक यानी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं बोलूं डायगोनल मैट्रिक्स, तो कह रहा है जब आई जे के इक्वल ना हो, आई जे के इक्वल कब नहीं होता है, आपने कहा सर डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट में कभी भी आई जे के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वाले एलिमेंट में डायगोनल के ऊपर में जे बड़ा होगा और डायगोनल के बेटा नीचे वाले एलिमेंट में आई बड़ा होगा। तो इस मैट्रिक्स को आप ऐसे बता सकते हो d1 0 0, आगे भी अगर आप ऑर्डर n क्रॉस n लेना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं 0 d2 0 0 0 d3। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपको गिवन है और अगर मैंने कहा कि मैंने यहां पे dn कर दिया, d स्क्वायर कर दिया, d क्यूब कर दिया, d इनवर्स इवन कर दिया, तो इसी एलिमेंट में आप कह दोगे कि सर यहां n है तो यहां भी n हो जाएगा, यहां भी n हो जाएगा और यहां भी n हो जाएगा। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो हमें इतनी ही बात की जरूरत थी। अगर यहाँ पे आपको ए गिवन है और आपसे ए क्यूब पूछा गया है, और अगर आपसे ए क्यूब पूछा गया है तो ए क्यूब करने के लिए, यानी कि ए क्यूब कर या आपने, तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब, दो का क्यूब हो गया 8, और इसमें से कौन सा डी ऑप्शन, 8, 5 का क्यूब 125 और 7 का 343, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी पार्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इंटरेस्टिंग देखो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं जो मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, उतना ही बताऊंगा मैं कि अगर इफ ए इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सममित अवयव है तो किस अवयव को बेटा आप सममित अवयव कहते हो, तो आप कहते हो कि सर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर एक बात बताओ, ट्रांसपोज आप कहते हैं रो को कॉलम में बदलना, अगर कोई 3x2 की मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो 2x3 की हो जाएगी, यानी ये मतलब सममित अवयव के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि रो और कॉलम इक्वल ना हो। अगर मान लीजिए एक अवयव है 5x2 की, ट्रांसपोज करोगे तो वो बन जाएगा 2x5, क्या कभी 5x2 की मैट्रिक्स 2x5 के इक्वल हो सकती है, क्योंकि दो अवयव तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ में एलिमेंट तो सेम होते ही है। लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने कहा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कब हो सकता है, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक बात तो ध्यान रखना कि सममित अवयव भी हमेशा एक वर्ग अवयव होती है, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये चीज फॉलो होनी चाहिए। एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 6, 7, 1 ठीक। अगर मैंने कहा इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो आपने कहा सर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A डैश इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A डैश, ट्रांसपोज का मतलब जो रो है रो में क्या है 2, 6, 7, तो यहां आ जाएगा 2, 6, 7। सेकंड रो में देखिए क्या 6, 3, 1, तो यहां आ जाएगा 6, 3, 1। लास्ट थर्ड रो में 7, 1, 5, 7, 1, 5, तो आप देखो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। तो ऐसी आप व्यू जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद वो इक्वल हो जाए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, उसे आप बोलते हो सममित आप व्यू। और इसको देखने का एक तरीका और होता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये सममित आप व्यू है, अगर ये सममित आप व्यू है तो डायगनल देखिए, डायगनल के बाद ये एलिमेंट आपको क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, ये मिरर की तरह वर्क करेगा 1 के सामने 1। तो ये हो गई आपकी सममित आप व्यू, डायगनल के सामने वाले एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता है। और भी प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ए सममित आप व्यू है तो ए की पावर एन कैसी आप व्यू होगी, तो वो भी सममित होगी। थ्योरी की क्लास आप आकर देखोगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए इनवर्स कैसी आप व्यू होगी, वो भी बेटा सममित होगी। एडजॉइंट ए कैसा होगा अगर ए सममित है, तो वो भी सममित आप व्यू होगा। तो ध्यान रखो, अगर ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए इनवर्स, एडजॉइंट, वो सभी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हमें इतने की जरूरत थी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल टू एक्स प्लस 7, 2x माइनस 9, 1 और ये 4। अब बताओ बेटा, अगर ये सममित आव्यूह है, अगर ये सममित आव्यूह है तो मैंने कहा था ये डायगनल पहले आप ऐसे हटा दो, डायगनल की ये एलिमेंट आपस में क्या लिखेंगे बराबर, यानी आप कह सकते हो 2x माइनस 9 इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 9 इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 5। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अभी आपने बात की थी सिमिट्रिकल मैट्रिक्स की, और यहां पे बात हो रही स्क्यू सिमिट्रिकल, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह पे एक मिनट देख लीजिए क्या होती है, स्क्यू सिमिट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमिट्रिकल मैट्रिक्स। तो पहले तो एक चीज इसमें फॉलो होगी, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये तो होना ही होना है, सॉरी ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये चीज तो होगी। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए आई जे मतलब एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन कब जीरो होंगे, जब आई इक्वल टू जे होगा। आप जरा सोच के बताओ, आई इक्वल टू जे, आई जे बराबर कब थे, जब डायगनल थे, जब क्या थे, डायगनल थे। और अगर डायगनल की बात चल रही है तो ये भी आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब अगर मैं विषम सममित आव्यूह के सामने लिखूं तो मैंने कहा डायगनल एलिमेंट जीरो होंगे, ये जीरो होंगे। और अगर यहां 3 लिखा है तो यहां पे -3 आएगा, अगर यहां 4 लिखा है तो यहां पे -4 आएगा, अगर यहां 7 लिखा है तो यहां पे -7 आएगा, मतलब साइन रिवर्स हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपने कहा कि सर डायगनल वाले पहले दो बार 0 होने चाहिए, विकर्ण वाले, और इनको ऐड करने पे 0 आएगा, इसको ऐड करने पे 0 आएगा, इसको ऐड करने पे 0 आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, ए इक्वल टू 2y-3 x-5 1 और ये 0। तो पहली चीज मैंने अभी आपको क्या बताई कि विषम सममित आव्यूह में विकर्ण वाले जो अव्यव होते हैं वो 0 होते हैं, ये तो 0, ये भी 0 होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो 2y-3 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 3/2, एक चीज तो ये। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने ये बताया था कि ये अगर डायगोनल है विषम सममित में, इन दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि x माइनस 5
प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू फोर, तो फोर कॉमा थ्री बाई टू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, x फोर हो गया और y थ्री बाई टू। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आते नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, अभी मैंने बताया ऑर्डर सेम होंगे साथ में एलिमेंट भी सेम होंगे, तो यहां पे x माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन ये 1-1 एलिमेंट है, 1-1 के इक्वल हो जाएगा, ये 12 के इक्वल होगा, यहां से x बराबर आ जाएगा 19। इसी प्रकार से y माइनस फाइव, 1-2 एलिमेंट है, ये 13 के इक्वल होगा बेटा, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार से आप कह सकते हो 2 इक्वल होगा 2-1 एलिमेंट, z माइनस वन के, z माइनस वन के, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन देख लीजिए 19, 18, 3, एक्स वाई जेड पूछा गया, 19, 18, 3, ऑप्शन सी 19, 18, 3। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, क्लियर है। नेक्स्ट, ये बेस्ट क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया a इक्वल टू दिस, और आपको a स्क्वायर प्लस a प्लस k डैस i इक्वल टू आपको a दिया गया है o मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के, तो आपसे k और k डैस की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो इसको करने के एक शॉर्ट वे बता रहा हूं। लेंथी प्रोसेस क्या है, आप यहां पहले a स्क्वायर निकाल दो, पहले आप a स्क्वायर निकालो, देन उसके बाद k a प्लस k डैश i निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। चलो एक मिनट में डिस्कस कर लेता हूं। मुझे सबसे पहले इसमें a स्क्वायर निकालना है, पहले लेंथी डिस्कस करो, a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 3 to 4 pi मल्टीप्लाइड विद 3 to 4 pi, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 9 और 8 17, 1 और 1 होगा, पहले 1 बन जाइए, तो पहली रो पहला कॉलम, फिर 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, देखिए मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इसमें आपको 1-1 एलिमेंट चाहिए, तो पहली रो पहला कॉलम 1-1, फिर 1-2 एलिमेंट पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 12 और ये 20 32, सेकेंड रो 8 प्लस 25 25 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 33। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो 9 और इधर हो गया 8, 9 और 17 हो गया, ठीक है, और इधर हो गया 6 और 10 16, ठीक है, 12 और 20 32, ठीक है, 8 और 25 33, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने निकाले, अब आपको क्या निकाला, के ए, मतलब के ए, आपको ये बात पता है, अगर किसी आव्यूह में किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर किसी मैट्रिक्स में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है सॉरी, तो वो नंबर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां से हो जाएगा एलिमेंट है 3 की हो जाएगा, ये 3k 2k 4k और 5k, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, k डैश i, तो आपको पता है i मैट्रिक्स क्या होती है, i मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, और इसमें अगर आप k डैश से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पे k डैश से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, ठीक। अब लास्ट स्टेप देखो, अब इन सबको आपको ऐड करना, ऐड करके ये ओ, ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होगी, तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 0 इस टाइप में लिखा होगा, तो यहां पे एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट है 17, इसके साथ साथ ऐड होगा 3k और k डैश, तो आप बोल सकते हो 17 प्लस 3k प्लस k डैश इक्वल टू जीरो। सेकेंड एलिमेंट उठा लीजिए 16 प्लस 2k प्लस 0, तो आप लिखा 16 प्लस 2k प्लस 0, लिखने का मतलब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, k इक्वल टू -8, और बेटा k इक्वल टू होगा -8, यहां रखो -8, तो -24 और ये हो जाएगा 17, ये 17 है, -24 प्लस 17, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7, उधर जाएगा +7, यानी यहां से मिल जाएगा आपको k डैश इक्वल टू +7, ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गई, इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते थे इसी में बता देना, इसको आपको शॉर्ट करना है, ये मैं एक मिनट अलग से बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है इक्वल टू 2 5 4, और यहां पे मैंने कर दिया
सपोज यहां पे मैंने रख दिया जिसको ये संतुष्ट हमेशा करेगी। और वो कैसे होगी, तो उसके लिए याद रखो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए ए प्लस डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल टू बेटा हमेशा जीरो होगा। जीरो मतलब यहां जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब आपने कहा ट्रेस क्या होता है, तो बेटा ट्रेस का मतलब होता है मुख्य विकर्ण अवयवों का योगफल, समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ट्रेस की, तो यहां ट्रेस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें कितना देगा माइनस 15 13 और 2 15 ए प्लस इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो ये होगा 26 माइनस 20 ये 6 आ गया आई इक्वल टू जीरो इक्वल टू इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, तो ये बात आप समझ गए कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर है तो मेरा सजेशन ये है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करिए तो शॉर्ट हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट जब वीडियोस आएंगे उसमें ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। सॉरी, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो यहां पे एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन है ए इक्वल टू, अगर क्वेश्चन है ए इक्वल टू 3 2 4 5, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8 8 ए प्लस इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7 आई इक्वल टू ओ मैट्रिक्स है। आपको ये इक्वेशन दी गई है इसे कंपेयर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस के डैश आई इक्वल टू भी ओ मैट्रिक्स है। तो यहां पर के इक्वल टू कितना गया माइनस 8 और के डैश इक्वल टू कितना गया प्लस 7, तो के इक्वल टू माइनस 8 के डैश इक्वल टू 7, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, किसी आव्यूह में अगर आप किसी आव्यूह में एक आव्यूह दिया गया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और कह रहा है ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो कब नहीं पॉसिबल है, तो आप जानते हैं अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी और भी केसेस आएंगे जब आप मैट्रिक्स में आगे चलोगे, जब मैं आपको कुछ इक्वेशंस बताऊंगा जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो आप देखोगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो ही सफिशियंट केस नहीं होता, और भी केसेस होते हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पे कह रहा है कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो कर दीजिए, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट 2 3 4 और ये x ये जीरो है, तो आपको दिख रहा है ये जीरो का होगा, देखो यहां से 2 का ये 4 हो गया, डबल हुआ, यानी ये भी डबल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी x बराबर 2 का ये डबल 4 3 का डबल 6 यानी x बराबर 6। यार इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तो आप निकालो, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6। मैं सीधे देख लेता हूं, अगर पैरेलल है, अगर ये पैरेललिज्म शो कर रहा है, तो डिटरमिनेंट 0 का 2 का डबल सॉरी 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 यानी x अगर बेटा 6 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स ए दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई है एक मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपसे क्या पूछोगे डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए सॉरी डिटरमिनेंट ए। अगर कहीं मैंने लिखा ए बी इक्वल टू सी और अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई करूं, अगर मैंने लिखा डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से पता है स्प्रेड हो जाएगा डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए बी इक्वल टू सी लिखा है, मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट सी, तो बहुत बेसिक सारी ये सब चीजें हैं। तो आपने कहा सर मैट्रिक्स दी गई ए
और इसका डिटरमिनेंट ले लिया, इसका भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए, और 3, 2, 5, 4 एक मिनट इसको क्लियर लिखते हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए और इसका डिटरमिनेंट कितना जाएगा 12 - 10 दैट इज 2 इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 40 - 42 - 2 तो यहाँ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू बेटा हो जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन था इसमें -1 - 1 डी ऑप्शन, ठीक है बेसिक क्वेश्चन था ये, कुछ समझाने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो अभी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका मैंने प्रूफ बताया आप लोगों को, तो जिन बच्चों को प्रूफ नहीं पता इसको प्रूफ देख लीजिए। इसमें कभी आपसे हो सकता है पूछे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, कभी आपसे पूछ सकता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, कभी आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, मैट्रिक्स के टर्म में पूछ सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल है, ये आपको पता है कि एडजॉइंट ए इसका डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। यहाँ डिटरमिनेंट कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में 3, ऑर्डर आपको कितना दिया गया है ऑर्डर 4, तो 4 - 1 3 की पावर 3 27, तो ऑप्शन होगा इसमें तो ये 27 सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये बताओ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन वही क्वेश्चन कि ये कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, इसको आपको डिटरमिनेंट बस 0 करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया, जल्दी से बता दे रहे इसको मैं, एक मिनट। तो ये मैट्रिक्स दी गई है 0, 5, -1, 2 मैं डिटरमिनेंट निकालू 0, 4 और 3 λ 0 डिटरमिनेंट निकालने के देखो तरीके बहुत सारे हैं, मैं सिंपल से यूज करता हूँ। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला कॉलम रिपीट कर दे 0, 5, -1 और सेकंड कॉलम 2, 0, 4 मल्टीप्लाई किया ये हो गया 0, मल्टीप्लाई किया ये हो गया माइनस का 2λ - 2λ और मल्टीप्लाई किया ये कितना हो गया प्लस का 60, 5 - 60 हाँ बिल्कुल सही 60 माइनस मल्टीप्लाई इस 0 की वजह से 0, इस 0 की वजह से 0, इस 0 की वजह से 0, ये पूरा 0 है। ये इक्वल टू क्या कर दिया सिंगुलर मैट्रिक्स पे 0, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 30, तो आंसर हो गया लैम्डा बराबर 30। ऑप्शन कौन सा इसमें, ऑप्शन इसका फ्रैक्शन है, ऑप्शन गलत दिया बेटा इसमें, आप सुधार लीजिए। ऑप्शन इसका इसका सही आंसर है 30, सी को सही कर लो। यहां पे दिया गया था 20 और ये वाला था 30, तो आपका आंसर है 30, तो ये सही, ठीक है मिसप्रिंट है ये, ठीक है। तो आंसर आपको तो मेथड से मतलब है लैम्डा इक्वल टू 30, आप डिटरमिनेंट निकालिएगा वो 30 आएगा इक्वल टू 0 करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंपल सा है, अभी आपको बताया है इसमें डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके x माइनस ए x माइनस बी ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, अच्छा मैंने एक बात आपको बताई, अगर आप क्लास में थे मैंने कहा था एनडी एयरफोर्स नेवी, अगर आप देखो कोई भी डिटरमिनेंट 0 दिया है तो मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या, सबसे पहले ये चेक कर लो क्या सर तीनों रो को, मतलब सारे रोज को आप इंडिविजुअली ऐड करो या सारे कॉलम्स को ऐड करो, अगर ऐड करने में सेम चीज आ रही तो कॉमन होकर बाहर हो जाएगी तो वो चीज भी 0 होगी, अगर ऐड करने में सेम आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं बेटा, इसको ऐड करिए x + x + x कितना हो गया 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको ऐड करिए तो यहां से भी यही आएगा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सेम फॉर दिस, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान में 3, तो ऑप्शन हो गया इसका बी पार्ट, क्लियर। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन, अब इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो, ठीक, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के, आज से कितने लेक्चर